सरकार है वो मौके पे 17 मॉइस्चर मांग रही है और मेरी डेयरी का 14 है, फिर भी मैं यहाँ पे मंडी में बैठा हुआ हूँ। तो सरकार ने आज इसकी खरीद शुरू करने को कहा था, तो ये सिर्फ कागजी और कहने वाली बातें हैं, इसी में बनाए हुए रूल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे जमींदार परेशान हैं। आप ही बताएं 14 का, अब मैं इसे 4 करके फिर बिकेगी? ये सिर्फ बातें हैं, सच्चाई यहाँ आप सभी किसानों से पूछ सकते हैं। तो रेट नहीं मिल रहा क्या? रेट सर मॉइस्चर ही नहीं ना आ रहा, तो रेट क्या मिलेगा? तो मार्केट में इनसे बातचीत करिए तो इन्होंने क्या कहा अभी जो? इन्होंने कहा है अभी हमारी 3 बजे मीटिंग है, कोई बताता है 5 बजे मीटिंग है, लेकिन कोई भी दफ्तर में कभी मौजूद नहीं होते, कभी बाहर नहीं निकलते। जमींदार काफ़ी परेशान है, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। इतनी परेशानियां हैं किसानों को, 8 दिन से लगातार हर रोज ये कहा जा रहा है, आज कल कोई खरीदारी होगी, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं है, ना कोई खरीद करने वाला है, ना सरकार कहती है किसी को। सेलर वाले आते हैं सुबह शाम को कह देते हैं हम तो सुबह खरीद करेंगे, सुबह आते हैं शाम को कह देंगे जवाब दे दिया, हम नहीं लेते गिरी, क्योंकि सरकार हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगा रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते कि हमारे को पहले ज़मीन प्लज करो या सेलर प्लज करो तब जाके हम जीरी देंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि भाई हमारा पैसा न मर जाए कहीं सरकार का, तो इसलिए सरकार ये जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मंडी में आ रही है और कोई खरीदार नहीं है जीरी का, सरकार ने रेट दे दिया MSP, लेकिन वो सरकार धान लेने के लिए बिल्कुल ही जवाब दे रही है फिलहाल, तो जो उस कंडीशन में सरकार चाहती है उस कंडीशन में व्यापारी धान दे नहीं सकता, ना जिम्मेदार दे सकता उसको। लेकिन वो मॉइस्चर की जो कंप्लेंट है मेन, वो पूरी कोई भी डेयरी पूरी नहीं कर रही है सरकार के मुताबिक। क्या कंडीशन है? 17 पॉइंट मॉइस्चर की है कंडीशन, तो 17 में डेयरी कोई भी मंडी में नहीं है, 20 से लेके 18 से लेके 22 तक मॉइस्चर की डेयरियाँ मंडी में पड़ी है। जिस कंडीशन में सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी भी गलत है, कि माल उठाने का ठेकेदार माल उठाएगा। सेलर वालों ने जवाब दे दिया कि हम माल उतारेंगे नहीं, अगर मान लो सरकार माल उठाएगी भी मंडी से लेके तो हम उतारेंगे नहीं सेलर वालों माल, तो ये व्यवस्था तो सरकार ने खुद करनी पड़ेगी भी अपने को डाउन ले कहीं पर, ये तो माल उतारे वहीं पर और मंडी को खाली करे। ये मंडी के अंदर कम से कम 10 लाख कट्टा आज मंडी के अंदर पड़ा है जीरी का। बारिश की चेतावनी है ऊपर से परेशान, मतलब अगर एक बारिश भी होगी तो इसका सारी का गोबर हो जाएगा धान का, अब सारे 6 महीने की किसान की कमाई जाना मिट्टी बच गई है। शेड की वो अंदाजा आ जाती है इसमें 2-3 हज़ार हो रही है एक शेड में, 5 शेड हैं टोटल, पौने तो 10 चाहिए शेड। नहीं कोई इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से, रात को लाइटें नहीं जलती मंडी में, किसान अंधेरे में पड़ा रहता है, रात को चोरी हो जाती है थोड़ी बहुत ही। सुशील सिंगला जी, मंडी प्रधान। कोई सरकार का आदमी ना कोई खरीद करने के लिए है, ना कोई खरीद चालू हुई है, और झूठे लारे लगा रही है सरकार की आज खरीद चालू करेंगे। अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा मंडी में नहीं आया अभी जो खरीद चालू। तो आप जिम्मेदार भी हैं अपनी? मैं जिम्मेदार भी हूँ और आर्थिक। क्या कारण है खरीद? खरीद सरकार के जो है, सरकार रेट पर लेना चाहती, गिल्ले सूखे माल आते हैं हमारी मंडी में, या तो सरकार जो कहती है खरीद करे माल फिर तो है ही। MSP रेट पे दिया जाएगा? MSP रेट तो गवर्नमेंट का है, जिम्मेदार तो उस पर देने के लिए तैयार है, आड़ती भी देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट ले माल तो आड़ती को ये नहीं कहते भी माल नहीं देंगे, आड़ती तो तैयार है देने तो के लिए। आप क्या कह रहे हैं, पोर्टल नहीं चल रहा है क्या? अब कभी कहते हैं पोर्टल नहीं चलता, कभी कहते हैं माल गिल्ला है, कभी कुछ कहते हैं। अभी अगर बरसात आ जाती है तो? बरसात आ गई तो इतना भारी नुकसान है जिम्मेदार का कि करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान है, जिम्मेदार मजबूर हो जाएगा ऐसा कि जीरी ना उठा सकता है, ना गवर्नमेंट लेने की नहीं। क्या सुविधा दी गई? कोई सुविधा दी सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐन पड़ी है मंडी के अंदर, ढेरों के ढेर लग रहे हैं, कम से 4 लाख कट्टा होगा, 4-5 लाख कट्टा मंडी के अंदर खुला ऐन बादलों के तले पड़ा है। अगर बरसात भी आ गई ना, खरबों खरबों रुपये का नुकसान है।
जाना। बस थोड़ी ही पोर्टल में दिक्कत आ रही थी गेट पास की, तो अभी समस्या का समाधान हो गया। मैनुअल के बता रहे हैं आदेश हो चुके हैं, तो अब परचेज की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। बारदाना वगैरह आ चुका है, बारदाना मंडी में अवेलेबल पड़ा है हमारा, वो साथ ही साथ ठेका हो चुका है। लिफ्टिंग कैसे होगी? लिफ्टिंग नहीं, अभी तो खरीद होगी, उसके बाद नहीं पड़ा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, जो हम परचेज करेंगे वो उसको लिफ्टिंग करवाएंगे साथ ही साथ। हाँ, लिफ्टिंग का ठेकेदारों को प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको कॉल कर लिया सभी को देवसी साहब ने, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। मंडी में धान का लोड बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बारिश की भी चेतावनी, अगर बारिश आ जाती है तो किसानों को क्या होगा? कौन जिम्मेदार है? उसको हम आढ़तियों से भी कर अपील कर रहे हैं, किसान भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि इसको बचाएं, थोड़ी फसल को आराम आराम से लेके आए, सारी खरीद होगी। कौन जिम्मेदार होगा? देखो इसका जिम्मेदारी तो जिम्मेवार तो देखो जब तक सरकार खरीदती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सरकार की, सरकार की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं बरसात से बचाने के लिए? वो तो मंडी बोर्ड करेगा, हम तो गोडाउन को लेके जाएंगे वहाँ बचाएंगे, यहाँ तो मंडी बोर्ड। ₹2000 बस में दे के आए हैं, यहाँ पर बैठ कर पहले खाते हैं, ₹100 का खुराकी उठता है, कौन देगा हम लोग को खाने के लिए? काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम मिलता तब क्या, मजदूरी नहीं मिल रहा है हम लोग को। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? कहता है कि अगाड़ी काम खोल भी नहीं किया है, कहता मोदी ने माल लेवे नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, हम कौन परेशानी, हम कैसे हम देंगे? क्या नाम है? मोहम्मद नसीर नाम है। कहाँ से? हम बिहार से आए हैं।